नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा। दोस्तों, आज का प्रश्न ये है कि क्या मनुष्य का मस्तिष्क, ये देखा जाए तो ये क्या, ये इसकी याददाश्त को, इसके मस्तिष्क की क्षमताओं को क्या हम गीगाबाइट या मेगाबाइट या ऐसे किसी उसमें बता सकते हैं। भाई कंप्यूटर बन गया है, कंप्यूटर भी काम तो मनुष्य के दिमाग जैसे ही तो करता है। कंप्यूटर जो बना है या लैपटॉप मोबाइल, और कहीं ना कहीं कंप्यूटर का छोटा हिस्सा हर जगह लगा होता है, जहाँ पे एक चिप लगी है जो कुछ सोच रही है या कुछ ऐसा कुछ खास काम कर सकती है, वो दरअसल थोड़ा सा दिमाग से ही, आपकी कार में भी लगी, वो भी कर रही है। तो क्या कंप्यूटर की तरह, जैसे कंप्यूटर का हम बता सकते हैं, इतने हार्ड डिस्क है, इतनी याददाश्त या मेमोरी है, तो क्या मनुष्य के दिमाग में कितनी मेमोरी है, उसे गीगाबाइट मेगाबाइट या किसी भी प्रकार से डिजिटल संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं, क्या उनमें प्रकट किया जा सकता है। सवाल उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि भाई जब से कंप्यूटर बना है कहा जा रहा है कंप्यूटर मनुष्य के दिमाग की तरह ही काम करता है। ये भी कहा जाता था पहले कि 2% मनुष्य केवल दिमाग इस्तेमाल कर सकता है, 10% केवल, ये सब तो खैर हमने बता दिया कि ये तथ्य ठीक नहीं है, हमारा वो वीडियो देखिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या है? कंप्यूटर दरअसल बाइनरी भाषा होती है, एक बाइनरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं। अंग्रेजी में लिख रहा हूँ पहले, फिर हिंदी में लिखूँगा, क्योंकि गणितीय भाषा होती है कि यह है बाइनरी। कंप्यूटर जितना सोचता है और जितना भी करता है, वो कितना ही मुश्किल काम क्यों ना लगे, उसका गणित 0 और 1 के बीच में रहता है। इससे ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं जाता, मतलब कोई काम 0 में होगा, कोई काम 1 में, कोई 0 0 1 में, कोई 1 1 0 में, ऐसे पता नहीं अपार संभावनाएं संख्याओं में रहती हैं, और इन्हीं के आधार पर कंप्यूटर गणना करता है। गीगाबाइट मेगाबाइट जिन्हें हम कहते हैं, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यानी बिल्कुल बिंदुवार गिने जा सकते हैं, और उनको बताया जा सकता है कि इतने हैं। कोई किताब, आप जैसे आप देखिए आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल पड़ी हुई है, उस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके आप देखिए कि उसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, तो उसमें आएगा ये इतने बाइट, इतने इसकी, उस बाइट को जब आप खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा होता है इतने 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 बाइट, इतने गीगाबाइट, नीचे फिर पूरा लिखा होता है, यानी उसके पूरे उसको गिना जा सकता है, उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी को गिना जा सकता है। तो ये तो हो गई बिल्कुल सही कि जिसमें गिना जा सकता है, पूरा बताया जा सकता है, लेकिन मनुष्य का दिमाग कोई 0 1 0 1 थोड़ी ना सोचा। मनुष्य के दिमाग में होते हैं दोस्तों, हालांकि अभी तक मैं आपको बता दूं, मनुष्य का दिमाग अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, बड़ा ही एक जटिल विषय है मनुष्य के दिमाग को पढ़ना। तो इसके अंदर जो दिमाग होता है, इसमें होते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स होते हैं, तभी तो न्यूरो के डॉक्टर के पास ले जाओ किसी के दिमाग में चोट लगी, कहते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं जो न्यूरॉन्स होती हैं, इनमें ये समझिए बिजली दौड़ती है, यानी विद्युत पार्क होने पर जो असर होता है वो इनमें असर होता है, इनमें विद्युतीय ऊर्जा जब जाती है तो ये संदेश छोड़ते हैं जो तरंगों के रूप में चलते हैं, बहुत ही घना जाल सा होता है न्यूरॉन कोशिकाओं तंतुओं सबका, और काम न्यूरॉन करते हैं, वो जाल छोड़ते रहते हैं। अभी मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ और आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, दोनों के न्यूरॉन अपनी जगह काम कर रहे होंगे, मेरे न्यूरॉन मुझे बता रहे होंगे मुझे क्या करना है, आपके न्यूरॉन कह रहे हैं कि जिज्ञासा चैनल अच्छा है, इसमें काम की बातें आती हैं, इसे देखते रहिए। तो ये न्यूरॉन अपना काम करते रहते हैं, न्यूरॉन की संख्या भी बहुत है, 100 लाख के करीब है, तो उन्हें बिल्कुल सही सही ये गणना करना कि उनकी कितनी याददाश्त हुई, ये तो संभव नहीं है। दूसरे ये भाई कंप्यूटर को तो एक, मैं बताऊं आज एक बड़ा छोटा सा सॉफ्टवेयर 8-10 MB का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो दुनिया के बड़े से बड़े चेस के खिलाड़ी को चेस में हरा देता है, शतरंज में हरा देता है, जबकि पहले कास्परोव और कारपोव जैसे जो शतरंज के खिलाड़ी थे, उन्हें स्पेशली विशेष रूप से उनके शतरंज खेलने के लिए बनाए गए थे बड़े कंप्यूटर, बिल्कुल इतने बड़े जैसे फ्रिज होते हैं ऐसे बनाए गए थे,
उस आकार में ताकि वो उन्हें हरा सकें। एक का नाम था डीप थॉट, एक का नाम था ब्लू डीप, तो वो बनाए गए थे और उनमें से एक ने हरा भी दिया था। तो कास्परोव जब हारे थे उस कंप्यूटर से, तो कास्परोव ने कहा था कि कंप्यूटर को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती। बस यहीं पे है कि हमारी जो दिमाग है, हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है, उसमें वो भावनाओं से संचालित होता है। हम कभी खुश होते हैं, हम कभी दुखी होते हैं, हैं, हम कभी रोते हैं, हम कभी गुस्सा होते हैं, तो हम उन भावनाओं से संचालित होते हैं। इसलिए कंप्यूटर से तुलना नहीं करी जा सकती हमारी, और दूसरे उसको नापा तो जा ही नहीं सकता, है ना, उसको किसी भी तरीके से नापा नहीं जा सकता जो हमारे दिमाग में आज गणनाएं चल रही होती हैं। दूसरी बात ये, और अंतिम बात, तीसरी चौथी जो भी बात है, अंतिम बात ये दोस्तों कि मनुष्य के सबका दिमाग एक सा नहीं होता। मैं नहीं कह रहा किसी का कम या किसी का ज्यादा होता है, मगर जैसे मनुष्य ना, भाई आप मुझे देखिए कितना दुबला पतला हूँ मैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वस्थ, ऐसे ही उनके दिमाग का भी होता है। सब व्यक्तियों के दिमाग किसके अंदर, दिमाग में भाई कोशिकाओं ऊतकों से मिलकर बना होता है, तो कितना भार है, जरा 10-20 ग्राम भार से भी फर्क पड़े, वो ज़्यादा बुद्धिमान ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा भार का मतलब ज़्यादा न्यूरॉन्स और उनको काम करने का तरीका, हर एक में काम करने का तरीका, कितने सक्रिय न्यूरॉन है, वो सब उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो इसलिए मित्रों, मनुष्य के दिमाग, मनुष्य की याददाश्त गीगाबाइट मेगाबाइट ऐसे बिल्कुल निश्चित गणितीय आंकलनों में नहीं नापी जा सकती। मनुष्य के अंदर जो चीज़ आई हमेशा प्रेम भाव और हाँ क्रोध वगैरह ये सब रहेंगे, तभी तो हम मनुष्य हैं। कंप्यूटर हम कभी न बने यही मनाई। फिर मिलेंगे मित्रों हमारे चैनल जिज्ञासा पर। नमस्कार।